हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे द पॉलिटेक्निक क्लासेस के आलोक सर ने कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी मुहिम स्टार्ट की, अपने हक की लड़ाई। बिहार में सिविल के अलावा और भी जितने सारे ब्रांच हैं उनके रोजगार के हक की लड़ाई, अपने हक की लड़ाई। तो उस मुहिम को हम लोग अब रुकने नहीं देने वाले हैं और उसको हमेशा जारी रखने वाले हैं। तो इसी क्रम में आज ये एपिसोड 2 है अपने हक की लड़ाई में। तो मैं अभिषेक कुमार आप लोग के सामने अपनी बातों को रखने वाला हूं, और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, जो कि ओनली सिविल के रोजगार के बारे में सोचते हैं और अदर ब्रांचेस के रोजगार के बारे में नहीं सोचते हैं, तो उनको एक कड़ी चुनौती पेश करने जा रहा हूँ। तो इससे पहले मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत सारा धन्यवाद कि आप लोगों ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया और ट्विटर पे रीट्वीट किया और इसको फेसबुक वगैरह ये सब से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया। तो इसी तरह से शेयर करते रहिए और आप लोग ट्वीट करते रहिए, हमें एक न एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी और हम लोगों का मांग ज़रूर पूरा होगा। तो आजकल ये डिजिटल क्रांति का युग है, हम लोग डिजिटल में आ गए हैं। तो ये इसी प्रकार से हम लोग इसको जारी रखेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी ना हो जाती हैं। और इसके साथ मैं और भी सर लोग से कहना चाहता हूँ कि जो भी अगर इस टॉपिक को आप लोग भी अगर बढ़ावा दोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब तक हम लोग सब एक साथ मिल करके हम लोग द पॉलिटेक्निक क्लासेस पे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हम लोग हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से रिलेटेड अपनी बातों को रख रहे हैं, और भी अदर ब्रांच के जो भी सर वगैरह ये सब हैं, जो हमारे सीनियर हैं, सुपर सीनियर हैं, वो भी अपना वीडियो बनाएं और अपने यूट्यूब चैनल पे, या फिर आपका यूट्यूब चैनल नहीं है तो हमसे संपर्क करें, हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे आपकी बातों को, आपकी वीडियो को अपलोड करेंगे। तो आप लोगों के लिए भी द पॉलिटेक्निक क्लासेस पे स्वागत है। आप लोग जब कहें तब आप लोग वीडियो सेंड कर सकते हैं, हम लोग आपको आपका वीडियो इसी चैनल पे अपलोड करेंगे। तो आप लोगों को भी द पॉलिटेक्निक क्लासेस की ओर से पूरी की पूरी छूट दी जाती है कि आप लोग भी चाहें तो इस वीडियो भेज सकते हैं हमारे पास। हमारा नंबर है 7463063474। तो इस पे भेजें हम लोग, इस द पॉलिटेक्निक क्लासेस पे आप लोग की बातों को भी अपलोड किया जाएगा, जिससे आप लोग की बात भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने और समझें और इस पे विचार करें। तो चलिए ये इस एपिसोड नंबर 2 में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बातें करते हैं कि कैसे हम लोग बिहार सरकार कैसे हम लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। एक तरह से समझिए कि ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ही बड़ी समस्या है। एक अगर अनपढ़ है और वो बेरोजगार है वो अलग बात है कि चलिए उसके पास कोई स्किल नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो बेरोजगार है, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई पढ़ लिख करके भी अगर बेरोजगार बैठा है, ऐसा नहीं है कि उसने चोरी छिपे किसी तरह से डिग्री खरीद ली है, ऐसी बातें तो है नहीं। डिप्लोमा स्टूडेंट कितनी मेहनत करते हैं ये एक डिप्लोमा स्टूडेंट ही जान सकता है कि वो किस तरह से अपना संघर्ष करके एक डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं और जी जान लगा करके अपने दिन रात एक करके डिप्लोमा स्टूडेंट पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी अगर उनको रोजगार नहीं मिलती है तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो फिर वो इतना मेहनत क्यों करते हैं, फिर क्यों किया ऐसा मेहनत, सुबह 5 बजे उठना, 6 बजे से क्लास जाना, 6 से 11-12 बजे तक बिना खाए पिए एक चाय बिस्कुट पे पीते हुए अपना क्लास पूरा करते हैं। फिर वो जब अपने रूम पे जाते हैं तो 12-1 बजे तक खाना बनाते हैं, पता चला 12-1 बजे उनका खाना बनता है, 2 बजे तक उन सुबह से लेकर के 2 बजे वो खाना खाते हैं। तो जब इतनी जिल्लत वो झेलते हैं, इतनी जिल्लत झेल करके अगर ये वो पढ़ाई कर रहे हैं तो ये तो जायज़ सी बात है कि उनको कुछ ना कुछ अपने रोजगार भी होना चाहिए। तो ये हमारी सरकार आखिर कब तक ऐसे चुप बैठे रहेगी, और सिर्फ सिविल ही क्यों, और भी सारे ब्रांच हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, सीएस ब्रांच के हैं, ऐसा नहीं है कि इन सारी की उपयोगिता हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ इन सारी चीज़ों की उपयोगिता है। सब चीज़ आज हमारा डिजिटलाइजेशन हो रहा है, डिजिटल दुनिया में हम लोग आ रहे हैं, फिर भी हम लोग ऐसे बेरोजगार हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, सीएस पढ़ रहे हैं, और भी मैकेनिकल वगैरह ये सब इलेक्ट्रिकल हैं, ये सारे बेरोजगार आखिर क्यों हैं। तो इन्हीं सारे टॉपिक पे आज हम लोग जोरदार चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से ये निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ट्विटर वगैरह ये सब का लिंक इसमें दिया हुआ है तो उसको रीट्वीट करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करें।
तो चलिए आइए हम लोग सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग शिक्षित बेरोजगार के रूप में आते हैं। हम लोगों ने 10th क्लास में शायद पढ़ा था इकोनॉमिक्स में या 9th क्लास में, एक होती थी छिपी हुई बेरोजगारी। मतलब छिपी हुई बेरोजगारी, मान लिया जाए किसी के यहाँ 4 कट्ठा खेत है, उसका घर का लोग 15-20 सदस्य है, उसी 4 कट्ठा में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कहा तो हम काम कर रहे हैं, पर वहाँ पे भी बेरोजगारी है जो कि दिखाई नहीं दे रही थी, जो दिखाई नहीं दे रही थी। पर हम लोग इस श्रेणी से हट करके एक होता है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी कहने का मतलब पढ़ लिख करके भी बेरोजगार होना, जो बड़े पैमाने पे होती है और ये सभी लोग देखते हैं। यहाँ तक कि हमारी सरकार को भी ये पता है कि यहाँ पे कितने ज़्यादा शिक्षित बेरोजगार हैं, खास करके वो तो जान रहे हैं। क्यों जान रहे हैं? क्योंकि वही हैं जो कि शिक्षित बेरोजगार को पैदा कर रहे हैं। कैसे, ये मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए, ये जो हमारी नीतीश सरकार है, इसको कुछ नहीं, सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना है और मेडिकल कॉलेज खोलना है। आप देखते होंगे हर एक सेशन में, हर एक नए सेशन में, हर एक जिले में कहती है कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज खोल देंगे, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोल देंगे। अरे भाई खोलो ना, उसको पढ़ाने को पढ़ाओ ना, लेकिन उसके प्रति वहाँ से जो स्टूडेंट निकल रहे हैं उसके रोजगार की भी तो चिंता करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉलेज खोल दिया, पढ़ा दिया और उसका कोई व्यवस्था नहीं किया, तो फिर वो कौन सा काम का है आपका पढ़ाई? क्यों है कॉलेज ऐसा खोल रहे हो? तो ये सब बातें सोचते नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ हर एक ईयर में, एकेडमिक ईयर में कॉलेज तो खुल जाते हैं, पता चलता है कॉलेज में वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं रहती है। जो नया नया कॉलेज खुलती है वहाँ पे जाइए तो सिर्फ एडमिशन होता है और क्या कहते हैं, फॉर्म वगैरह ये सब भराता है और वहाँ पे पढ़ाई लिखाई का कोई व्यवस्था नहीं है। क्या तो वहाँ तो अभी कोई संपूर्ण मतलब कि कोई नहीं होती है कॉलेज में, ऐसा होने लगता है। फिर भी वहाँ पे स्टूडेंट जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, अपने तरह से किसी न किसी तरह से पढ़ाई करते हैं। ऐसा नहीं पढ़ाई करते हैं, वहाँ के स्टूडेंट भी पढ़ाई करते हैं और इतनी अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं कि आप देख लो ना, बिहार के स्टूडेंट को देख लो, हर एक स्टूडेंट में चाहे वो एक एवरेज मार्क्स से पास है या फिर हाई मार्क्स से पास है, लेकिन उसके अंदर क्वालिटी है, तब जा करके वो डिप्लोमा पास किया, तब जाके वो इंजीनियरिंग पास किया। पर इसकी तो कोई देखता नहीं है, कोई सुनता नहीं है। और ले लो ना भाई, इंटरव्यू ले लो, एग्जाम ले लो, लेकिन रोजगार दे दो भाई। बिना पढ़े लिखे, अब जैसे हम ये थोड़े ना कह रहे हैं कि आप हमें डिग्री पे ही रोजगार दे दो, आप ले लो, एग्जाम ले लो, इंटरव्यू ले लो, जैसे लेना है ले लो, पर आप रोजगार दो। ऐसा नहीं कि एक को सिविल ब्रांच वाले बाहर ही बाहर है हमेशा, मतलब कि एक वैकेंसी निकलती नहीं कि अगला आ करके रखाई रहती है। पता चला एक एक का स्टूडेंट का तो 4-4, 5-5 जॉब आया हुआ है, मतलब कि उसका लेटर आया हुआ है 2-2, 3-3 सेक्शन से, और एक को इधर एक भी वैकेंसी नहीं, एक भी नहीं, उसका तो नामो निशान भी नहीं है। तो फिर क्यों कॉलेज खोल रहे हैं आप हर एक एकेडमिक ईयर में? क्यों इतना शिक्षित बेरोजगार को? आप तो खुद बढ़ावा दे रहे हैं शिक्षित बेरोजगार को। तो सबसे पहले कॉलेज खोलने से पहले तो उनको ये सोच लेना चाहिए कि ये जो कॉलेज मैं खोल रहा हूँ, यहाँ से जो शिक्षित बेरोजगार पैदा होंगे उसको कहाँ पे मैं रखूँगा, ये तो कोई सोच नहीं रहे, उसकी तो कोई व्यवस्था कर नहीं रहे, और सिर्फ कॉलेज पे कॉलेज खुलता जा रहा है। हम लोग हैं कि पढ़े जा रहे हैं, कोई भी पढ़ेगा यार, कॉलेज खुलेगा, एडमिशन होगा तो जाएगा, तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, उसका काम है पढ़ना, वो पढ़ रहा है। पर आपका ये भी तो काम है कि जो पढ़ के निकल रहा है उसको दें रोजगार, दें उसके लिए, बनाएं वैसा माहौल बनाएं। तो ये देखिए, ये हो गया। अब देखिए सबसे बड़ी समस्या ये कि हम लोग अब ये कोरोना काल में जितना तेजी से हम लोग डिजिटल की ओर बढ़े, था डिजिटल था पहले भी था, हम लोग उसका भी यूज कर रहे थे, पर ये जो कोरोना काल हुआ उसमें हम लोगों ने इतना ना डिजिटल कर लिया, इतना ना कर लिया कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ये बातें हम लोगों को नहीं पता चलती थी, पर इस कोरोना काल में हम लोगों को ये पता चला कि हम लोग डिजिटल की ओर बढ़ चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं। तो अब सोचने वाली बात है कि जब हम हर एक, आज हमारा जितना भी ऑफिस वगैरह ये सब है वहाँ पे डिजिटल हो गया है, तो इतने सारे डिजिटलाइजेशन प्रोसेस हो गए हैं, उसके बावजूद से इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के बच्चे, फिर CS ब्रांच के बच्चे, अगर इतने डिजिटल में हम आगे होते हुए भी अगर हमें बेरोजगार हैं, तो ये सबसे नौबत की बात है, खराब बात है। ये सरकार को सोचनी चाहिए कि हम इतने डिजिटलाइजेशन प्रोसेस में आगे बढ़ गए हैं, तो फिर हमारे स्टूडेंट जो कि डिजिटल हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं, CS के स्टूडेंट हैं, ये सबको क्यों नहीं रोजगार दिया जा रहा है? क्यों ऐसे ये बेरोजगार हैं? सोचना चाहिए। और भी अदर ब्रांच वाले जो भी हैं उनको भी रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है? ओनली सिविल को ही क्यों दिया जा रहा है? इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है,
क्यों नहीं, ऐसा क्यों, कब तक ऐसा रहेगा कि हम लोग मतलब कि कॉलेज पे कॉलेज खुलता जाएगा, स्टूडेंट पॉलिटेक्निक करके इंजीनियरिंग करके बैठा रह जाएगा, कब तक, कब तक सोचो, कब तक ऐसे बैठे रहेंगे हम लोग। तो ये सोचना चाहिए सरकार को, और ये सोचना चाहिए कि हम लोग कितना आगे बढ़ गए हैं फिर भी ऐसा क्यों, कब तक ऐसा रहेगा। तो ये सरकार से मेरा निवेदन है, निवेदन क्या, मैं तो हम कहता हूँ कि ये सारे स्टूडेंट के प्रति ऐसा सोचना चाहिए, इनको सोचना चाहिए कि हम कॉलेज खोलने से पहले ये व्यवस्था कर लें कि यहाँ से जो स्टूडेंट निकलेंगे उनको हमको कहाँ पर एब्जॉर्व कर पाना है। बिहार के अंदर इन स्टूडेंट के अंदर इतनी सारी खूबियां हैं, इनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि अगर इनको मौका दिया जाए तो कहते हैं, मैं कहता हूं कि वो हर एक क्षेत्र में जो भी वो जिस क्षेत्र में वो हैं उनको उस तरह का अगर दिया जाए, चांस दिया जाए, एक मंच दिया जाए, बेहतर मंच दिया जाए, तो वो उस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं, जो कि ये सरकार सोचती नहीं है, उसको ये व्यवस्था करती नहीं है। तो ये तो बेरोजगारी का आलम है, स्टूडेंट लोग के पास भी कमी है, सरकार में भी कमियां हैं। अब ये सारी व्यवस्था उनको टॉक करके, आपस में बात करके, किसी न किसी व्यवस्था से कोई ऐसा कमेटी बनाओ ना जो ऐसा कर सके, ये इसके बारे में सोचिए। आखिर ये जो यूथ पावर है उसका यूज नहीं कर पाते हैं, ये बिहार सरकार की सबसे बड़ी खामियां है। यहाँ के यूथ के अंदर जो, उनके अंदर जो कैपेबिलिटी है, उनके अंदर जो क्षमता है, उसका यूज आप करो ना, तब तो इसका फायदा मिलेगा। आखिर क्यों बिहार के स्टूडेंट अदर स्टेट में, अदर कंट्री में इतना अच्छा कर पाते हैं, वहां पे जाकर के आप देखो ना, जहां पे भी बिहारी रहते हो वो अपना नाम फैला रहे हैं, अपने राज्य का, अपने देश का नाम बढ़ा रहे हैं। तो आखिर क्यों, कब तक ये जो निकल गए वो करते रहेंगे, और क्यों हम लोग घर बैठे, हम लोग बिहार में रह करके भी हम लोग बिहार के प्रति कुछ नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि मौका नहीं मिल पाता, और इसके प्रति कोई सोचता नहीं है, सोचने वाला नहीं है, कहीं पे कोई भी नहीं सोचने वाला है। तो ये आखिर कब तक आप चुप बैठोगे, कुछ करिए हम लोग के लिए, कुछ करिए, हम लोग कब तक ऐसे बैठे रहेंगे। हम लोग के लिए कोई ना कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए जहां से हम लोग वहां से आगे निकल सकें, अपनी क्षमता का यूज कर सकें, अपने देश के विकास में, अपने राज्य के विकास में, और आपका और हमारा नाम कर सकें। तो मैं आप नीतीश कुमार जी से, खास करके जो हमारे मुख्यमंत्री है, नए नए सरकार बनी है, इतने दिनों से ये गद्दी पे बैठे हुए हैं, फिर भी ये शिक्षा के प्रति, खास करके टेक्निकल स्टूडेंट या ननटेक स्टूडेंट, मैं सारे के बारे में कहूंगा कि इनके प्रति कुछ सोचिए, जो बेरोजगार बैठे हैं उनको रोजगार कैसे दिया जाए, कैसे उनको अपने राज्य के बढ़ते इन हालात के साथ इसको जोड़ा जाए, कैसे जोड़ा जाए, और इनके अंदर छिपी हुई जो क्षमता है उसको विकास कैसे किया जाए, इसके लिए सोचिए। अगर आपने ये कर लिया तो मैं कहता हूं बिहार इतनी तेजी से, अभी तो ऐसे भी तेजी से ग्रोथ कर रहा है, पर उससे भी ज्यादा तेजी से ग्रोथ करेगा, ऐसा सोच भी नहीं सकते हो आप। तो आपसे ये निवेदन है कि नीतीश चाचा आप चुप नहीं बैठिए, कब तक चुप बैठिएगा, इस रोजगार के प्रति कुछ ना कुछ आप करिए, कैसे भी करके करिए, क्योंकि अभी आपको सर्वप्रथम ये टॉपिक लेना चाहिए। सारे विभाग हैं, ये शिक्षा विभाग को भी आप मजबूत करिए, इस तरह से मजबूत करिए कि ये जहां भी जाए ये क्रांति लाए। कहते हैं कि एक शिक्षित होना बहुत जरूरी है, तो यहाँ तो शिक्षित हो करके भी लोग बेरोजगार बैठे हैं, ये सबसे बड़ी खामियां है आपके सिस्टम की, आपके रोजगार ना देने की व्यवस्था की। किसी न किसी तरह से आप इसका सोल्यूशन निकालिए और इसका उपयोग कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, और आप लोगों को भी अगर कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। कोई इस मुहिम को आगे बढ़ाए या ना बढ़ाए, तब पॉलिटेक्निक क्लासेस रुकने वाला नहीं है, और आप लोगों का साथ जो जिस तरह से बना हुआ है इस तरह से बना रहेगा, तो हम लोग कभी भी पीछे हटने वाले नहीं हैं और आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। शुरुआत एक हो चुकी है, आग लगनी स्टार्ट हो चुकी है, इसको बढ़ाने का काम भी हम लोग ही करेंगे, चाहे कोई साथ दे या ना दे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ और भी ज़्यादा अपडेट के लिए।